प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन के आह्वान पर सोमवार को निजी बसों के हड़ताल पर जाने से जिला मुख्यालय के मुख्य बस अड्डे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। संघ द्वारा अपनी बसों को सड़कों से दूर रखने की वजह से सोमवार को अपने कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। आम दिनों में जहां लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए महज 10 से 15 मिनट तक बस का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सोमवार को लोगों को अधिक देर तक बसों का इंतजार करने के लिए मजबूर होता देखा गया, क्योंकि जिला चंबा में 130 के करीब निजी बसें विभिन्न रूटों पर दौड़ती हैं जो सोमवार को नहीं दौड़ी। ऐसे में लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए HRTC बसों का ही सहारा था। हालांकि संघ द्वारा पहले ही अपनी मांगों के समर्थन में सोमवार को की जाने वाली हड़ताल की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी, जिस वजह से सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर अक्सर जिला मुख्यालय की ओर रुख करने वाली लोगों की संख्या में आज कमी देखने को मिली, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।